हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शोषण। इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन या औपनिवेशिक शोषण क्या होता है, उसके बाद भारत में औपनिवेशिक शासन किस तरह का रहा, कृषि क्षेत्र का किस तरह से शोषण हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का किस तरह से हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से शोषण हुआ। कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश पर नियंत्रण। औपनिवेशिक शोषण का मतलब है कि इसके श्रमिकों का या इसके जो देश है उसके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना। इसका जो शासक देश होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उन लोगों का और उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसको एक्सप्लॉयट करना और अपने लाभ को बढ़ाना। तो कॉलोनियल रूल, अब इंडिया में, भारत में किस तरह से औपनिवेशिक शासन रहा। भारत भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न देशों का उपनिवेश रहा। जैसे इंडियन जो ये सब कॉन्टिनेंट था वो, जैसे उसमें पुर्तगीज, डच, डैनिश, फ्रेंच और ब्रिटिश आए। उसके बाद इंडिया को 2 शताब्दियों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया और हर आर्थिक क्रिया पर इस समय ब्रिटिशर्स ने शासन किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसके जो प्राकृतिक संसाधन थे और कच्चा माल जो था भारत का वह ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए या ब्रिटिश उद्योगों के लिए प्रयोग में लाया गया। अब कृषि क्षेत्र का किस तरह से औपनिवेशिक शोषण हुआ। कृषि क्षेत्र के लिए में आप देखोगे ब्रिटिश रूल में जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत पिछड़ गया। उसी समय जमींदारी प्रथा का वो किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। जमींदारी प्रथा में क्या करते थे, जमींदार नियुक्त किए जाते थे जो भूमि पर नियंत्रण करते थे और जो कृषक होते थे वो मजदूर बनकर उस पर काम करते थे और एक निश्चित राशि लगान के तौर पर जमींदार लैंड रेवेन्यू की तरह या लगान के तौर पे देते। आपने लगान पिक्चर में भी देखा होगा किस तरह से शोषण किया जाता था। फिर कृषकों का जितना हो सकता था उतना वो शोषण करते थे और कृषि के विकास के लिए उस राशि को प्रयोग में नहीं लाकर वो अपनी विलासिता के ऊपर खर्च करते थे और कृषकों को केवल उतना ही साधन प्रदान करते थे जितना कि उनके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है और वो अपनी विलासिता के लिए इसका प्रयोग करते थे। ये जो आप और कॉमर्शियल जो एक तरह की वाणिज्यिक फसलें होती हैं, जैसे नील की खेती के लिए बहुत वो करते थे क्योंकि नील उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रयोग होता था। मनी जो राशि थी वह ब्रिटिशर्स को दे दी जाती थी, है ना। उसके बाद कृषि के विकास के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं रहती थी और वाणिज्यिक फसलें जैसे नील की खेती के लिए इन लोगों ने बहुत बल दिया क्योंकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये काम आता था। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र को तोड़ने में उन्होंने किसी तरह की भी कसर नहीं छोड़ी। कृषि क्षेत्र में भारत की बहुत सारी जनसंख्या लगी हुई थी। 75% जनसंख्या की जो आजीविका का स्रोत था कृषि था, तो जब कृषि क्षेत्र टूटा तो वो जो है पूरा ये देश की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारतीय अर्थव्यवस्था इससे बहुत स्टैग्नेंट और पिछड़ी रह गई। तो औपनिवेशिक शोषण ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बर्बाद करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ। अब औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से ये शोषण हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में शासन के पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग बहुत विकसित थे। आपको ढाका की मलमल जैसे इतनी महीन हुआ करती थी जो कि एक अंगूठी के अंदर से निकल जाती थी पूरी की पूरी साड़ी। उसके हैंडीक्राफ्ट बहुत बहुत ज्यादा का प्रमुख निर्यातक देश था और भारत ने ये ब्रिटिशर्स ने
एक जो इसके उद्योगों को बर्बाद करने के लिए टैक्स की दोहरी नीति, विभेदकारी नीति अपनाई और इसके एक्सपोर्ट्स पे बहुत अधिक टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो ब्रिटिश काल के उद्योगों से संबंधित चीजें थी उनके उत्पादन पे ज्यादा बल दिया, तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प जो था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जैसे बनारसी साड़ी, ढाका की मलमल, वो सब इस तरह के जो उद्योग थे वो पूरी तरह से नष्ट विनष्ट हो गए। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस तरह से शोषण हुआ, भारत का जो मुख्य निर्यात था वो हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था, हस्तशिल्प हुआ करता था, जिसका जो विदेशों में जिसका बहुत अधिक मांग थी। ये ब्रिटिश सरकार ने इसको पूरी तरह से तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का जो मेजर एक्सपोर्ट्स थे वो खत्म हो गए। ब्रिटिशर्स ने भारत को जो है खाली कच्चे माल यहाँ से उसका निर्यातक बना दिया, जिस पर किसी तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती थी। दे इम्पोर्ट फिनिश गुड्स, भारत में वो आयातित माल जो मंगाते थे उस पर किसी तरह की इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। अब यहाँ से सस्ता कच्चा माल ले जाके वहाँ बना के फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट, जो तैयार माल का जो आयात होता था उस पर जो वो बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक शोषण था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बारे में आपने दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन थ्योरी या निकासी का सिद्धांत या निष्क्रमण का सिद्धांत हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने यह दिखाया कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विनष्ट करने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी।